गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसैकेराइड से शुरुआत करते हैं। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका निर्माण तीन या उससे अधिक और 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट से होता है, उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड के बीच में रखते हैं। और अगर मोनोसैकेराइड की संख्या 10 से ज्यादा हो जाती है तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड में रखते हैं। ओलिगोसैकेराइड कैन हैव मेनी फंक्शन इंक्लूडिंग सेल रिकॉग्निशन एंड सेल बाइंडिंग। हम आगे इनके फंक्शन में पढ़ेंगे कि इनका प्रमुख कार्य सेल बॉडी में सेल टू सेल के रिकॉग्निशन पहचान और सेल टू सेल से बाइंडिंग होती है। दे आर नॉर्मली प्रेजेंटेड ग्लाइकेंस, ग्लाइकेन के रूप में प्रेजेंट होते हैं ओलिगोसैकेराइड चेन्स linked to lipid or to compatible amino acid side chain in protein N or O glycosidic bonds। तो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन के साथ में जुड़ते हैं और ग्लाइकेन बनाते हैं, और यह बॉन्ड N और O glycosidic bond होता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर by definition covalently bonded to carbohydrate, they are very abundant on the surface of the cell and their interaction contribute to the overall stability of the cell। glycoprotein or glycolipid cell surface par sabse adhik paaye jate hain aur ek cell dusre cell se inhi glycoprotein or glycolipid ke madhyam se interaction karti hai। ओलिगोसैकेराइड आर कंपोनेंट ऑफ फाइबर फ्रॉम प्लांट टिश्यू, FOS मींस फ्रक्टोज ओलिगोसैकेराइड, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड। एंड एनुलिन आर प्रेजेंट इन, ये कुछ प्लांट है और जिनमें यह पाया जाता है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड एंड एनुलिन, जेरुसलम आर्टिचोक, बर्डॉक, चिकोरी, लेक्स, ऑनियन एंड एस्पेरेगस में ये पाए जाते हैं। एनुलिन इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेली डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड कैन आल्सो बी सिंथेसाइज बाय एंजाइम्स ऑफ द फंगस एस्परजिलस नाइजर एक्टिंग ऑन सुक्रोस। ग्लूको ओलिगोसैकेराइड इज नेचुरली फाउंड इन सोयाबीन्स, सोयाबीन में होता है एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लैक्टोज, लैक्टोज से इसका निर्माण होता है। फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड एंड ग्लूको ओलिगोसैकेराइड एंड इनुलिन आर आल्सो सोल्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में भी इनको सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। ओलिगोसैकेराइड के फंक्शन की अगर हम बात करें सेल रिकॉग्निशन में, ऑल सेल आर कोटेड इन आइदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, बोथ ऑफ विच हेल्प डिटरमाइन सेल टाइप्स। हम ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स की पहचान करते हैं, वो भी ओलिगोसैकेराइड के माध्यम से होती है, मींस ये एंटीजन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड सेल रिकॉग्निशन इज द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड इन डिटरमाइनिंग ब्लड टाइप्स। द वेरियस ब्लड टाइप्स आर distinguished by the glycan modification present on the surface of the blood cells। cell adhesion, एक सेल जब किसी सरफेस पर या किसी दूसरे सेल से जुड़ती है, many cell produce specific carbohydrate binding protein known as lactins which mediate cell adhesion with oligosaccharide। cell lactin, a family of lactins
mediate certain cell-to-cell adhesion process, including those of leukocyte to endothelial cell. इस प्रकार से ये ऑलिगोसैकेराइड के फंक्शंस हैं। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड। दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट बाउंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पॉलीसैकेराइड जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनमें मोनोसैकेराइड यूनिट की संख्या 10 से अधिक होती है। व्हेन ऑल द मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड आर द सेम टाइप, द पॉलीसैकेराइड इज कॉल्ड ए होमोपॉलीसैकेराइड, होमोग्लाइकन। यदि पॉलीसैकेराइड में उनको बनाने वाले जो यूनिट है मोनोसैकेराइड्स, सारे मोनोसैकेराइड अगर एक जैसी ही है, तो ऐसे पॉलीसैकेराइड को होमोपॉलीसैकेराइड और होमोग्लाइकन कहते हैं। बट व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड हेटेरोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोग्लाइकन। अगर दो अथवा उससे अधिक मोनोसैकेराइड अलग अलग टाइप के मिलकर के पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, तो उन पॉलीसैकेराइड को हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स या हेटेरोग्लाइकन कहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। होमो एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अलावा पॉलीसैकेराइड के दो ग्रुप और हैं, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड जो प्लांट और एनिमल बॉडी में स्टोरेज के रूप में रहते हैं, और दूसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जो प्लांट और ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं। तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में हम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को रखते हैं। स्टार्च प्लांट में स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज होता है। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड सेलुलोज एंड काइटिन। सेलुलोज लार्ज सेल वॉल का इम्पोर्टेंट घटक है हम जानते हैं, और काइटिन एनिमल में विशेष रूप से कीटों में और फंगस में ये स्ट्रक्चर में भाग लेता है या पाया जाता है। कुछ हम पॉलीसैकेराइड के बारे में देखते हैं और उनमें जो किस प्रकार का उनमें बॉन्डिंग है, कौन कौन सी यूनिट है, क्या उनकी शेप होती है देखते हैं। सबसे पहले सेलुलोज, इसका सोर्स प्लांट होता है। इसकी सब यूनिट्स जो होती है बीटा ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है जो मिलकर के सेलुलोज का निर्माण करते हैं। बॉन्ड यहाँ पर 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ब्रांचेस सेलुलोज में नहीं होती है, जैसे इसमें शेप में हम देख सकते हैं लीनियर शेप में है। स्टार्च में एमिलोज और एमिलोपेक्टिन से मिलकर स्टार्च का निर्माण होता है। एमिलोज ओलिगोसैकेराइड हम इसे कह सकते हैं, और एमिलोपेक्टिन भी ओलिगोसैकेराइड है। इन दोनों का निर्माण अल्फा ग्लूकोज से होता है, और स्टार्च में जो बॉन्डिंग होता है वो 1,4 एंड 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होता है, और एमिलोज जो है वो लीनियर होता है, जबकि एमिलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड ओलिगोसैकेराइड है। ये दोनों मिलकर के स्टार्च का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, तो इसका सोर्स एनिमल है, और इसकी इकाइयां जो है इसको जो बनाती है वो अल्फा ग्लूकोज यूनिट इसको बनाती है। ग्लाइकोजन में 1,4 एंड 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, और यह एक ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज के रूप में यह कार्य करता है।
पॉलीसेकेराइड के फंक्शन की हम बात करें, स्टार्च, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आर द वे दैट प्लांट स्टोर ग्लूकोज. बोथ ह्यूमन एंड अदर एनिमल हैव एमिलेज, ये एक एंजाइम है, सो दे कैन डाइजेस्ट स्टार्च. जैसे लार्वा में एमिलेज एंजाइम होता है और एनिमल्स में भी होते हैं, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट किया जा सकता है. पोटैटो, राइस, व्हीट एंड मैज आर मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन डाइट. ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, सर्व एज द सेकेंडरी लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल एंड फंगल सेल्स, विद द प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज बीइंग हेल्ड इन एडिपोज टिश्यू. सबसे पहले इसका अगर प्रयोग करना है तो एडिपोज टिश्यू से इसको हटाया जाता है या एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है. बाकी ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर रहता है. ग्लाइकोजन इज मेड प्राइमरली बाय लीवर एंड द मसल, बट कैन आल्सो बी मेड बाय ग्लाइकोजेनेसिस विद इन द ब्रेन एंड स्टमक. तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण लीवर और मसल्स में होता है, लेकिन ब्रेन और स्टमक में भी कुछ मात्रा में होता है. सेलुलोज, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट आर फॉर्म्ड प्राइमरली फ्रॉम सेलुलोज. वुड इज लार्जरली सेलुलोज एंड लिग्निन, व्हाइल पेपर एंड कॉटन आर नियरली प्योर सेलुलोज. तो सेलुलोज जो है प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में होता है, और प्लांट सेल वॉल और प्लांट का अधिकांश भाग सेलुलोज से बना होता है. काइटिन इज वन ऑफ मैनी नेचुरली अक्यूरिंग पॉलीमर. इट फॉर्म्स ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मैनी एनिमल सच एज एक्सोस्केलेटन. कीटों में यह आवरण का निर्माण भी करता है काइटिन. पैक्टिन आर ए फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड दैट कंटेन वन फॉर लिंक्ड अल्फा डी गैलेक्टोसिल यूरोनिक एसिड रेजिड्यूज. दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल एंड इन द नॉन वुडी पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट. स्थली पादप जो होते हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल में यह पैक्टिन पाया जाता है. थैंक यू.